बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दिया है। बता दें कि 6 अक्टूबर पर इसको इन दिनों चुनाव होगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, दो सीटों पर चुनाव है, लगातार जेडीयू कह रही है कि हमारी सीट ये थी और आगे भी रहेगी। जेडीयू की तो सीट क्या, जेडीयू तो 3 नंबर की पार्टी है, वो कहाँ से 2 सीट जीते। जनता तो उतावला है कि जल्द से जल्द चुनाव और दोनों सीट महागठबंधन की झोली में जनता देगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी राजभवन जाकर इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। ये सरकार तो बनी कैसे है ये सबको पता है, हम लोग बार बार बताना नहीं चाहते हैं, जनता जानती है। जनादेश मिला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने के लिए, लेकिन जनादेश का अपहरण करके सत्ता में जो लोग आए हैं उस चुनाव में पता चल जाएगा ये 2 सीटों का जो महत्व है चुनाव में। महागठबंधन की झोली में 2 सीट आती है तो बिहार की राजनीति दशा दिशा बदलेगी और ये सरकार जो बनी है इसकी भी विदाई होगी। अगर 2 सीट आरजेडी जीतती है तो बहुमत का आंकड़ा और भी करीब हो जाएगा, क्या लगता है कि बिहार में कुछ होने भाई? बहुमत का आंकड़ा में हम लोग कुछ सीटों पर कम है, 1-2 सीटों पर, और वो 2 सीट जीतने के बाद आप देख लीजिएगा फिर कौन सा खेला होगा। जब 1 साल पूरा अभी नहीं हुई है एनडीए सरकार की, जिस दिन 1 साल पूरा होगा उसके पहले ये सरकार की विदाई भी होगी। महागठबंधन में कांग्रेस की भी एक सीट रही है, और 2 सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, लेकिन हम लोगों का मानना है आरजेडी दावेदारी इसलिए कर रही है कि दोनों सीट आसानी से महागठबंधन की झोली में आए, बाकी शीर्ष नेतृत्व सभी दलों का महागठबंधन का बैठकर ये तय कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लालू जी ने भी कहा है कि अगर ये 2 सीट आरजेडी लड़ती है तो जीत नहीं, उन्होंने सही कहा है, ये कांग्रेस के लोग भी मानते हैं और इसको लेकर कोई ज्यादा किचकिच नहीं है, मिल बैठ करके तय हो जाएगा, दोनों सीट महागठबंधन की झोली में जाएगी ये तय। लगातार विशेष राज की दर्जे की मांग कर रही थी जेडीयू, लेकिन कल विजेंद्र यादव वो कह रहे हैं कि हम ये मांग अब नहीं करेंगे। विशेष राज के दर्जे पर जेडीयू सिर्फ राजनीति कर रही थी, उनको विशेष राज के दर्जे की मांग से कोई लेना देना नहीं था। कल जेडीयू एक्सपोज हो गई, विशेष राज के दर्जे किए क्या खाक दिलाएंगे, जो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दिला ही नहीं पाए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए बीजेपी के सामने वो सरेंडर किए हुए हैं। बिहार को वाजिब हक और हकूक 40 में 39 सांसद एनडीए के पास है, जब नहीं दिला पा रहे हैं तो फिर किस काम का डबल इंजन का सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हम अगर 39 सीट जीतते हैं तो उसी दिन जो है ठीक है फैसला करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा अगर 39 सांसद हमारे हो के 24 में तो सूद और ब्याज के साथ पाई पाई जितना नुकसान एनडीए ने किया है बिहार का सब बदला लेंगे, वसूलेंगे और बिहार की जनता की भलाई के काम करेंगे। चलिए तो बहुमत का जो आंकड़ा है 122 है और विपक्ष जो है उससे कुछ ही सीटों के दूरी पर है, तो ये सीट अगर अमूमन आरजेडी जो है जीत जाती है तो बिहार में कोई नया समीकरण बन सकता है। अब कौन सी पार्टी जो ये दोनों सीट है वो जीतती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर जो है उपचुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्म है। आप बन रहे हमारे साथ।